एक अपील, अगर आप यूपीएसआई भर्ती में जो गड़बड़ी चल रही है, अगर उस भर्ती के संलिप्तता के आप पात्र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। या आप किसी प्रकार के स्वार्थी कैटेगरी से हैं, किसी प्रकार के स्वार्थी व्यक्ति भी हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लगातार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार जो गड़बड़ी हो रही है उस विषय पर, जो विषय है यूपीएसआई स्कैम। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आज इसी सवाल को यूपी भर्ती बोर्ड ने कुछ उत्तर देने की कोशिश की है। आइए सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की आइए सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जहाँ उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले कुछ लिस्ट जारी की है। जाइए, उनकी लिस्ट क्या कहती है आपसे ज़रा देख लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि आप उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट में अब मैं इस को ओपन करता हूँ। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए साथियों, ये एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये आज की इस पीडीएफ में उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड में क्या होगा। ये देखिए, ये एक पीडीएफ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको आपको पढ़कर सुनाता हूँ ये क्या कहना चाहती है। इसमें साफ साफ लिखा है, आज दिनांक 13 मई के बारे में, दिनांक 12/2021 से दिनांक 2021 तक उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम के उपरांत डीवीपीएसटी हेतु 36,170 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। निम्नलिखित अभ्यर्थी जिनके फिंगरप्रिंट मिसमैच हुए हैं या उनके द्वारा अनुचित अनफेयर साधनों का प्रयोग कर अपराधिकृत किया गया है, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की सूची मत मैं पता व रजिस्ट्रेशन नंबर निम्नवत है। मतलब अब उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, उनके इस काम के लिए सल्यूट है उन पर, कि उन्होंने ऐसे ऐसे करप्टेड लोगों को, जिन्होंने आपकी नौकरी खाली है, उन ईमानदार लड़कों की नौकरी खाली है, जिनके वजह से, इनके वजह से वो बेचारे आज बाहर हैं। तो इन 57 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, ये 57 लिस्ट आप अपनी 57 लोगों की लिस्ट आप अपने इस स्क्रीन में देख सकते हैं, दाई बाई तरफ आपको दिख रहा होगा, ये 57 लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम यही बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो यकीन जानिए थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, और मैंने जो शुरुआत में अपील की है, यकीन जानिए अगर आप ऐसे किसी भी पात्र से हैं, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, और आप खुद संलिप्त थे, तो आप ये वीडियो ना देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप जो है आप किसी भी तरह से आप दुख में आए, बुरा लगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। स्टडी मतलब तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि अभी मैंने आपसे शुरुआत में बात की, क्या बात करूंगा, तो मैंने इन 4 मुद्दों पर आपसे बात करनी है कि भर्ती बोर्ड का जो नोटिस आया है, 57 नकलची पकड़े गए, उनके बारे में बात होगी, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस पर भी बात करूंगा, और मुझे किसका साथ देना चाहिए, बींग खुद एक टीचर मैं किसका साथ दूँ इस बात पर भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा भर्ती बोर्ड के नोटिस की, जिसकी बात मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में, इंट्रो में ही कर दी है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप ऑफिशियल साइट पर खुद भी जाकर कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा सीधी सीधी मैं इन 57 नकलचियों के बारे में। देखिए, ये जो 57 नकलची पकड़े गए हैं, ये कल की डेट है, कल पकड़े गए, आज इसको रिलीज़ किया गया है, और ये सब के सब लखनऊ के ही सेंटर पर पकड़े गए हैं। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि रोज़ खबर आ रही है, रोज़ के रोज़ कहीं 8 पकड़े जा रहे हैं, कहीं 10 पकड़े जा रहे हैं, कभी 12 पकड़े जा रहे हैं, कहीं 15 पकड़े जा रहे हैं, ये आंकड़ा रोज़ का रोज़ आ रहा है।
अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए, पहला फेज जो था 25 से 28 अप्रैल था, जो कि 4 दिन चला, और दूसरा फेज है 4 मई से 18 मई, जो कि लगभग 15 दिन शायद चलेगा, यस 15 दिन चलने वाला है। अब बताइए 25, 26, 27, 28, हाँ 4 दिन और ये लगभग 15 दिन, ठीक है। तो अब बताइए अगर इसी तरह रोज़ पकड़े जाएंगे, मैं अगर मान के चलूँ रोज़ 10 बंदे भी पकड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर 4 दिन में बन गए 40, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 दिन में 8 बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये मान के चलिए 15 दिन, और 15 में 10 मान लेता हूँ तो 150, लगभग 200 बच्चे ये इस तरह हो गए। और ये मैं एक आंकड़ा 15 नहीं है, 57 का बच्चा बताया गया यहाँ पर। सोचिए अगर ये 57 बच्चा पर डे के हिसाब से हो गया, तो ये आंकड़ा 1000 को भी पार कर सकता है। और ये 1000 बच्चे 9534 की भर्ती में, अगर 1000 बच्चे जो पकड़े गए, जो दिखाया गया है लगभग के, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो सकता है तो सोचिए कितना ख़तरनाक ये एक इमेजिनेशन है कि क्या ऐसे भी बच्चे अभी बैठे हुए हैं। यथा ये वो लोग हैं जिन्होंने नंबर हाई कर लिए हैं, ज़्यादा नंबर है उनके, 145, 150, 155, 52 के आसपास वो टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं। सोचिए क्या ये लोग स्मार्ट रहे होंगे, अपने आप को बहुत नाम कमाने के लिए उन्होंने किया। सोचिए क्या वो बच्चा नहीं हो सकता जो बैठकर सिर्फ 130, 35, 25, 140 के अंडर, 130 और 40 के बीच में ही जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी का होगा, उसने उसमें ही संतुष्टि दिखा ली हो। अब यहाँ से एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के मार्क्स इनसे सिर्फ 2, 3, 4 कम रहे होंगे, इन लोगों ने उनकी तो जी मिट्टी पलीत कर दी पूरी की पूरी ना, उनका सब सिलेक्शन रह गया, उनको लगा कि उनके मार्क्स कम हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था इन नकलचियों की वजह से ही, इनके अनुचित साधनों के प्रयोग करने की वजह से ही वो बेचारे बाहर रह गए। अब उनके ख्वाब का सोचिए, उनकी उस मेहनत का सोचिए जो मेहनत करके वो बेचारे यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन वो इनके वजह से नहीं हो पाए। तो ईमानदारी ये कहती है जांच होनी चाहिए, जांच का समर्थन सिर्फ और सिर्फ वही लोग करेंगे जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं और अभी भी उनके अंदर ईमानदारी बची हुई है, या वो लोग भी करेंगे जो जानते हैं उनके अंदर कुव्वत कैपेसिटी थी और इन लोगों की वजह से उस कैपेसिटी पर पानी फिर गया। अब जांच का सहयोग वो नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं खुद भी संलिप्त हैं, या कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो और मेरी तो सिलेक्शन श्योर हो गया है, अब मैं होने को। अरे भाई आप तो श्योर हैं, लेकिन सोचिए उसका क्या जिसने मार्क्स आपसे ज़्यादा लाए हैं फिर भी बेचारा वो बाहर रो रहा है बैठकर, ठीक है। तो ईमानदारी ये कहती है कि जांच होनी चाहिए, जो सेलेक्ट है अगर उसका ईमानदारी से मार्किंग किया गया तो वो दो बार नहीं, आने वाले 50 पेपर में सेलेक्ट होगा, और उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हो पाया है किसी कारण ईमानदारी की वजह से, उसको तो चाहिए कि उसको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। कम से कम यहाँ पर आप सब SIT की जांच तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए बिल्कुल। और जिनको लगता है कि नहीं ये फेक है, ऐसा नहीं है, और जो विवेक सर 15 तारीख को इको गार्डमैन में आकर आप सबके लिए आवाज़ बुलंद करने वाले हैं, सलाम है उनकी सोच को, सलाम है उनके उनके जज्बे को जो स्टूडेंट्स के लिए इतना वो करते हैं, और जिस भी टीचर को जाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उनको, लेकिन सपोर्ट एक अनबायस तरीके से होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी तरह का हुड़दंग करें, किसी तरह का बदतमीज़ी करें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें, प्रशासन को परेशान करें। आप शांतिपूर्वक जाइए और अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए। याद रखिए सरकार चाहती है पकड़ना, लेकिन अगर सरकार ना चाहती होती तो ये 57 लोग ऐसे ही नहीं पकड़े जाते, लेकिन वो शायद चाहती है कि आप उस तक वो मामले को लेकर पहुंचिए जो वो चाहती है, वो सुनना चाहती है, आप बस सुनाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। अगर आप इस चीज़ को समर्थन करते हैं तो आपका भी भर्ती फेयर तरीके से हो सकती है, क्योंकि इन अनफेयर लोगों को बाहर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। क्योंकि अगर ये सेलेक्ट हुए हैं तो यकीन जानिए इनका पूरा का पूरा गैंग होगा, और इनमें सभी तरह की श्रेणी के लोग होंगे, किसी एक तरह की श्रेणी के नहीं, सभी तरह की श्रेणी के लोग हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक भर्ती पर नहीं, आने वाली जितनी भी भर्तियां, अभी अभी सरकार ने परसों की बात है या कल की बात है बताया है 36,000 वैकेंसीज़ जल्द ही 6 महीने में पूरी करी जाएंगी। सोचिए अगर ये गैंग पकड़ा नहीं गया तो ये गैंग आने वाली लेखपाल भर्ती में बैठेगा, या आने वाला वन दरोगा भी बैठेगा, या लेखपाल की जो 4,000 भर्ती आने वाली उसमें भी बैठेगा, और यही गैंग वहाँ आने वाली 4 जो कांस्टेबल भर्ती है उसमें भी होगा।
और ये जो कंपनी भी है उस पर भी जांच होनी चाहिए। इस कंपनी के भी कुछ गड़बड़ चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिन सेंटरों ने नकल करवाई है, जिन सेंटरों ने अपने कंप्यूटर का गलत प्रयोग करवाया है, उनकी तो मान्यता रद्द करनी चाहिए। उनको कभी बिल्कुल भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन को चलाने नहीं, बड़ी सख्ती से कदम लेना चाहिए। एक मानगी तैयार होनी चाहिए, एक नज़ीर पेश करनी होगी, ताकि आने वाली जो भर्तियाँ हैं फेयर तरीके से हो। बच्चा बड़ी मेहनत से तैयारी करता है, रात दिन एक कर किसी तरह घर से दूर रहकर पढ़ता है, इस उम्मीद से कि इस भर्ती को निकाल कर वो अपनी लाइफ सेट कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली सुनने में आता है कि नहीं, वो नकल हो गई। बहुत ज़्यादा खलता होगा, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप जो है ईमानदार हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं ख़ुद भी तकलीफ होगी। भले आप सेलेक्ट हो गए हों, बस आपका मेडिकल ही बचा हो, तब भी आपको लगेगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा भी एग्ज़ाम होता है। ये कहा नहीं जा रहा है कि रीएग्ज़ाम होगा, लेकिन जाँच होगी, उसके बाद पता चलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों को ये बात पता चले कि नहीं, इंसाफ और जस्टिस क्या होता है। साफ सपोर्ट करना चाहिए सबको। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।